वेलकम बैक टू न्यू वीडियो जाए। एक्चुअली अभी बताने जा रहा हूँ गूगल एडवर्ड बिजनेस वेरिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिजनेस वेरिफिकेशन मान दिया है, ठीक है। तो बिजनेस वेरिफिकेशन में ऐड चल रहा था आज के डेट में, देखो 14 तारीख है, अभी ऐड चल रहा था टूडे। ओके, ऐड चल रहा था, चलते चलते सस्पेंड हो गया। फिर क्लाइंट ने मेरे को कॉल किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं बोला कि चलो कर दूंगा। मैं उसे ऑप्शन भी दिया कि देखो आप खुद से कर सकते हो तो कर लो, हमारा वीडियो देखो कर लो, बट फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, अब मैं करूँगा तो चार्ज लूँगा। तो उससे नहीं हुआ या उसके पास टाइम नहीं था, जो भी इशू था, तो बोल के नहीं आप कर दो। तो बंदा मेरे को पेमेंट भी कर दिया और अपना ईमेल आईडी पासवर्ड सेंड किया, मैं यहाँ पे लॉगिन कर दिया। अब उससे अभी काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, अभी करूँगा, आज रात तक निकल जाए, यानी 12 घंटे के अंदर में जो भी बिजनेस वेरिफिकेशन होता है निकल जाता है, ठीक है। 12 घंटे, 14 घंटे, मतलब 24 घंटा मान लो, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर में, ठीक है, निकल जाता है। तो अभी मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ, तो आप देखते रहिए, ठीक है। देखते मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ। अब करना क्या होता है, सिंपल, मैं यहाँ से कॉन्टेक्टर्स पर क्लिक करना होता है। ये जो आपको दिख रहा है कॉन्टेक्टर्स, यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा, ठीक है। ऐसे पेज होगा, ये पेज एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पेज ओपन होगा तो यहाँ पे कंप्लीट आपको फॉर्म जो भी होगा अपील करना होगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट नेम, कॉन्टेक्ट नेम में वही नेम होना चाहिए। आपको ध्यान से मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जो बिलिंग डिटेल में हो, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ कुछ और है, आगे कुछ और है, तो फिर दिक्कत हो गया इस, तो इसलिए मैं पहले बता देना, नाम वही डालना जो इसमें हो। एक सेकेंड, मैं आपको फिर से कंफर्म कर देता हूँ, आप लाइन पर रहिए। अश्वनी श्रीवास्तव नेम है यहाँ पे। ओहो, अश्वनी पैकर्स, चलो एनीवे अश्वनी पैकर्स नाम है यहाँ पे कस्टमर का। और यहाँ पे क्या रहा है नाम, एक्चुअली यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी में जो नाम रहता है उसी को रखना चाहिए। ओके, तो देख सकते हैं गाइस, इसमें मैंने ये नाम होगा, ठीक है। नाम होने के बाद आपका आ गया कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी, ईमेल आईडी सीसी, ठीक है। कस्टमर आईडी हुई, जो ये वाला कस्टमर आईडी, जो ऐड का, जो गूगल एडवर्ड का कस्टमर आईडी हो, ठीक है। ये सेलेक्ट किया, वेबसाइट सेलेक्ट किया जो गूगल, जिस पे आपका ऐड चल रहा है, कीवर्ड कैंपेन, मतलब कैंपेन में जो कीवर्ड हो उसी को उठाना है, फालतू कीवर्ड दूसरा कुछ नहीं डालना, जो आपके कैंपेन में हो, ठीक है। इस बात का आपको खास कर ध्यान देना है, कितने लोग कैंपेन में कीवर्ड होता नहीं है, कुछ दूसरा अलग कर देता है, कुछ डिफरेंट कर देता है, तो इसी के चलते उनका वो अनसस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। और ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस वही डालना है जो बिलिंग डिटेल में हो, ये बात ध्यान देना, ठीक है। नहीं तो बिलिंग डिटेल में कुछ और हो, इसमें कुछ और हो, तो फिर दिक्कत हो सकता है, मतलब नहीं होता है, सीधी सी बात है, दिक्कत क्या, आपका ये अनसस्पेंड नहीं होगा, ये सस्पेंड नहीं रहेगा, तो इस बात को आपको खास करके ध्यान देना है, ठीक है। तो गाइस ये देख सकते हैं, इसमें डाल दिया, और उसके बिलिंग डिटेल डालने के बाद कंट्री सेलेक्ट करना है, कौन सी कंट्री से है, तो इंडिया है, ठीक है। डू यू हैव सिंगल और मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट, तो हमारे पास सिंगल है तो मैंने यहाँ पे सिंगल पर क्लिक किया हूँ, ठीक है। मल्टीपल होता तो मैंने मल्टीपल पकड़ता है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आर यू एडवर्टाइजिंग योर ओन बिजनेस, तो आप यस कर सकते हो, या किसी क्लाइंट का हो तो क्लाइंट के बारे में कर दो, बट उसके बारे में पूछेगा डिटेल डालना तो डालना पड़ेगा, इसलिए से आप यस ही कर दो, बोल दो हाँ मेरा बिजनेस कौन, गूगल आपके घर पर चेक करने आ रहा है आपका खुद का है या क्लाइंट का है, ठीक है। सो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एफिलिएट होता है, एफिलिएट का डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु पे द गूगल एड्स अकाउंट इफ यू नॉट योर सेल्फ, और खुद का है तो खुद डाल दो, नहीं तो उसके बारे में डिटेल लिखना पड़ेगा, तो यहाँ माई सेल्फ डाल दो, ठीक है। गूगल कौन से चेक करने आ रहा है कि किसका है किसका नहीं। फिर इसमें पेमेंट मेथड क्या है, डेबिट कार्ड हो तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, या कोई और जो भी ऑप्शन आपको मिले, तो मेरा आधार है तो मैंने यहाँ पे आधार डाल दिया, ठीक है। पेमेंट डेट डालने की जरूरत नहीं है, बट डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर बिजनेस कंट्री इंडिया, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट लिया। आई बोला बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए, तो मेरा कंपनी पैकअप वर्क सर्विस प्रोवाइडर था, तो मैं बस इतना ही डाल दिया, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ओके है, ठीक है। अब बाकी ये क्वेश्चन आपको इग्नोर कर सकते, जो खाली बॉक्स से दिख रहा है, ठीक है।
आपको इग्नोर कर सकते हो जो खाली बॉक्स से दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि मैंडेटरी, जिसमें स्टार लगा हो एक समझो कि ये मैंडेटरी होता है, इसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी जिसमें स्टार न लगा मैंडेटरी नहीं, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो मैंने स्किप कर दिया। फिर समरी में क्या बोल रहा है, तो समरी में आपको सिंपल लिखना है, हेलो गूगल माई अकाउंट इज सस्पेंडेड, सो रीएक्टिवेट माई अकाउंट, ठीक है। इतना ही करके छोड़ दो और यहाँ पे आपको सबमिट कर दो। देख सकते हैं कैसे यहाँ पे कैसे मैंने सबमिट कर दिया। अगर आप हमारा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इन फ्यूचर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप हमारे वीडियो देख करके खुद से कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कॉल करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बट मैं करूँगा तो चार्जेज होगा, चार्जेबल होगा। चार्जेज क्या होगा मैं क्लियर बता देता हूँ। अगर आपको गूगल एडवर्ड सस्पेंड हो गया हो तो उसे अनसस्पेंड करना हो तो 1,000 रुपया, बिजनेस वेरिफिकेशन मांग दिया उसे बिजनेस वेरिफिकेशन कराना हो उसका भी 1,000 रुपया, गूगल एडवर्ड बनना होगा 2,000 रुपया कूपन कोड के साथ, 2,000 का कूपन कोड के साथ दूंगा आपको। मतलब समझो कि गूगल एड फ्री सर्विस है, गूगल एडवर्ड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कंपेन मैनेज कराना हो तो किस टाइप का कैंपेन है, किस टाइप का बिजनेस प्रोफाइल है, उस पर डिपेंड करता है। एसईओ करना हो एसईओ करा सकते हैं, बिजनेस अगर आपको वेबसाइट बनाना हो वेबसाइट बना सकते हैं। किसी भी तरह का ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए, वेबसाइट से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो आई होप सो मेरा वीडियो